नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्किंग कैसे करते हैं। हमारी छत ढल गई है, स्लैब कास्टिंग हो चुकी है, उसके बाद हम कॉलम की मार्किंग करेंगे। हम स्टार्टर का लेआउट प्लान कर रहे हैं अभी, वो उस कॉलम से लेके इस कॉलम के अंदर अंदर जो जो एरिया बनता है, जो डिस्टेंस बनता है, वो 13 फुट 6 इंच ही है। अब फोरमैन और फोरमैन के साथ साथी आपको बताएंगे भी कितना आरिया आ रहा है। देखिए, हमारे पास समय कम है, छत में पानी में लगा हुआ, और साथ के साथ हमारा ये कॉलम है। सबसे पहले हम इधर ईंट लगाएंगे, उसके ऊपर मसाला डालेंगे, मसाला डाल के फिर सूखा मार के, और इधर सूत बांधा हुआ है, हमको पता लग जाए भी जो हमारा लेआउट आ रहा है वो सही है, इधर उधर नहीं जा रहा। बताइए पकड़ सीधा सीधा ठीक है। ये देखिए, 13 शेप पे निशान लग चुका है, ये कॉलम से उस कॉलम तक, उस दीवार तक। वो 9 इंच की दीवार है, इधर 9 इंच का कॉलम। यह वीडियो है ना जी? हाँ, बस वो जो होगा वो उसी काम का होगा। आप गुणियाँ लगा के चेक कर रहे हैं जो हमारा निशान है वो सही आए, सीधा आए। एक बात का ध्यान भी रखना, और आपका गुणियाँ भी सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मार्केट में सस्ते के चक्कर में आपका गुणियाँ ही गलत होता है। तो जब भी गुणियाँ लें और बढ़िया लें, और उसी वक्त चेक करें उसको भी, आपका जो 90 डिग्री का एंगल है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। Thank you.
डाल दे, ईटा करोड़ी इसी हाँ जी दोस्तों, ये हमारा मार्किंग हो चुका है। हमारा 9x18 का पिलर है, हमने उसी हिसाब से इसकी मार्किंग कर दिया। और इन दोनों के बीच में वहाँ से लेके यहाँ तक 13 फुट 6 इंची था, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद इसके और उसके बीच में 15 फुट का डिस्टेंस रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया। अभी उसको वहाँ से मेजरमेंट करेंगे भी कितना आ रहा है, तो वहाँ उसी हिसाब से गुनिया लगा के चेक करेंगे। हमारा मार्किंग यहाँ पर आएगा तो उसको हम मार्क करेंगे, उसके बाद इसका स्टार्टर बनाएंगे। स्टार्टर बनाने के बाद इसको भरेंगे, इसके बाद इसका इसमें रिंग डालेंगे, लैपिंग होगा, जैकल मार के लैपिंग करेंगे तो सरिया बांधा जाएगा पैड बना के। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।